ब्राउजर एक बार फिर से मीटिंग ज्वाइन करके देखो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी ब्राउजर के अंदर तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी ठीक है प्लेन पढ़ेंगे पिछली क्लास में वेक्टर्स पढ़ा था सब बच्चों को समझ में आया था वेक्टर्स? वेक्टर्स? उसके बाद लो, आप लोगों ने बुक खोली बुक खोल के देखा कि हाँ मैम वेक्टर समझ में आ रहे हैं अभी भी नहीं आ रहा है समझ में आ रहा था ठीक है बहुत बढ़िया तो वेक्टर्स के बारे में हमने सीख लिया है अब हमारा एम है कि ये जो बचा कुचा चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन वो भी आज की क्लास में खत्म कर दिया जाए राइट सो मोशन इन अ प्लेन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी वॉन्ट टू स्टडी फर्स्ट इज पोजिशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर तो मुझे ये बताओ कि पोजीशन वेक्टर क्या था हमने पोजीशन के बारे में पढ़ रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन गाइस पोजिशन का मतलब क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ पोजिशन चलो लेट मी हेल्प यू गाइज सपोज मेरे पास ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये बड़ा सा ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं बना रही हूं ठीक है दिस इज माई एक्स एक्सेस दिस इज माई वाई एक्सेस नाउ इनिशियली एट टाइम वन My particle is at a position x1, y1. Okay, I am calling A. And finally, my particle chala at velocity se. at time t2. It is at a position x2, y2, which is B. So let this be equal to point A, x1, y1. Let this be equal to point B. ठीक है 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 मेरा जो पार्टिकल पार्टिकल था 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 वो A पे था, टी वन, और P था, पी पी पे और तो 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 ये ये तो हमें समझ में में आता है कि ये तो 2D plane चल रहा है, 2D में हमारा पार्टिकल है, दो पॉइंट पे था एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट अब पोजिशन हमने सीखी थी पोजिशन क्या होती है कि ओरिजिन से आपकी जो करंट लोकेशन है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको प्लॉट करने के लिए पोजिशन वेक्टर आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हो ठीक है इट इज अ वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू वेक्टर आता है उसको हम कहते हैं ठीक so, है और अगर आप पूछो इसकी वैल्यू क्या है तो इसकी वैल्यू आप कुछ इस तरीके से लिखते हो कि r1 will be equal to x1 i cap आई कैप प्लस वाई वन जे कैप एंड आर टू विल बी इक्वल टू 2i आई क्या प्लस वाई टू क्या तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट गिवन हो अगर आपको थ्री डायमेंशन में भी कोऑर्डिनेट गिवन हो सपोज मैंने आपको कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि कोऑर्डिनेट है a जिसके ये मतलब इधर है वो तो आप मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बताओ तो आप बताओ कि क्या पोजिशन वैक्टर होगा टू आई क्या प्लस थ्री जे ठीक है नहीं बच्चा ये फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है अभी फिलहाल फर्स्ट टॉपिक चल रहा है जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हो फटाफट क्ला, क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करो हमारे पास देखो एक घंटा है क्लास लंबी तो है नहीं कि चलो दो तीन घंटे की क्लास हम बार बार रिविजन करवाती रहो एक घंटे की क्लास में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहना है सो आई डू वेट फॉर टू मिनट्स और सो बट देन आई बिगिन द क्लास सो प्लीज बी अ लिटिल ऑन टाइम आई जस्ट रिपीट इट कि सपोज मेरी कोई बॉडी है जो इनिशियली पॉइंट ए पे है देन इट टू पॉइंट बी हमें इस चैप्टर में सबसे पहले सीखना है कि पोजिशन वैक्टर हम कैसे प्लॉट करते हैं तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक आप एक वेक्टर बनाइए उसको हम पोजिशन वेक्टर कहते हैं और उसकी वैल्यू कितनी आती है जो भी कोऑर्डिनेट है वो आई कैप जे कैप के कैप के साथ आप रिप्रेजेंट कर दो जैसे ए का अगर कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है तो आर वन जो उसका पोजिशन वेक्टर है उसकी वैल्यू हो गई एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप आर टू की वैल्यू हो गई एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप मैंने खाली एक एग्जाम्पल ये दिया है कि अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है रैंडम थ्री स्पेस में भी अगर है टू थ्री और फोर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसको भी मैं पोजिशन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकती हूँ अगर यहाँ पर कुछ और कोऑर्डिनेट होते सपोज मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है बी जो नेगेटिव में है माइनस टू माइनस फोर फाइव तब इसका मैं पोजिशन वैक्टर लिखती माइनस टू आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फाइव की कैप क्या तो इस तरीके से आप पोजिशन वेक्टर लिख सकते हो किसी भी पॉइंट के ऑल राइट इज इज दिस ओके गाइस पोजिशन वेक्टर सबको समझ में आया बेसिक पार्ट पोजिशन वेक्टर का इज इट ओके एवरीवन यस नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ये कोई बताएगा मुझे फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है तो उसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूं ठीक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर राइट एंड इफ यू लुक वेरी क्लोजली हियर इन ट्राइंगल ओ ए तो आप देख सकते हो कि ओए मेरी पहली साइड है अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगा रही हूँ ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन याद है ना पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल फिर ये आपका दिखाता था सम तो यहाँ पर भी तो मैं लगा सकती हूँ ना कि ओ ए मेरा एक वेक्टर है ओ ए के हेड पे मेरा दूसरा एक वेक्टर लगा हुआ है ए बी सो दिस मी दैट प्लस मस्ट बी इक्वल टू ओ बी सबसे पहले बताओ इस स्टेटमेंट से सब बच्चे अग्री कर रहे हैं कि हाँ मैम ये हमारे पास ट्राइंगल लॉ से आती है स्टेटमेंट are you guys agreeing with this statement everyone yes so bas simply ab mere paas ab jo mera displacement vector hai uski value aa gayi ob minus oa iska matlab kya hai ki jo displacement vector hota hai that is final position minus initial position और इसकी value भी आपकी कुछ ऐसी रहती है x2 टू माइनस एक्स वन आई क्या प्लस वाई टू माइनस ठीक है सबसे पहले बताओ इज इस दिस पार्ट क्लियर टू एवरी वन यहां पे मैंने आपको पोजिशन वैक्टर भी बता दिया और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर भी बता दिया तो ये सबको समझ में आई बात यस ऑल राइट वेरी गुड तो अभी तक हमें इतना पार्ट समझ में आया है अब चलते हैं आगे ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा वेलोसिटी और एक्सिलेशन के ऊपर बता देती हूँ तो आपकी वेलोसिटी भी कुछ इसी तरीके से आप लिखते हो ठीक है कि आपकी जो वेलोसिटी रहती है अगर वो कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है मतलब r2 r1 t2 t1 ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी और वेलोसिटी वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है तो आप वेलोसिटी को भी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो vx i कैप vy j कैप ऑल राइट

तो सिंपली आपकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो आपने पिछले चैप्टर में सीखी थी वहीं से आपके ये फॉर्मुलाज भी आ जाते हैं बस यहाँ पर वेक्टोरियल नोटेशन अलग है क्योंकि यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के भी ठीक है इतना क्लियर है सबको कि हाँ मैम ये भी आ गया विलॉसिटी और एक्सेलरेशन भी आ गई यस yes? ठीक है अब इस चैप्टर में ना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो ये है कि जितनी भी मेरी इक्वेशन है जितनी भी आपने ऑफ मोशन अभी तक पढ़ी वन डायमेंशन के अंदर आपके पास आ, जितनी भी आपके पास इक्वेश ऑफ मोशन है वो सारी मैं यहां पर भी लिख सकती हूँ सेम बस मेरी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर लिखी जाएगी जैसे अगर आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपने पढ़ी होगी की, सबसे पहली इक्वेशन आपको बताती क्या है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो इसको अगर मैं यहां पर लिखूंगी तो मैं यहां पर इसको दो इक्वेशंस के फॉर्म में लिखूंगी एक मैं लिखूंगी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी और मैं लिखूंगी वी वाई इज इक्वल टू यूवाई प्लस ए वाई टी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मैं जो भी मेरे पास टू डायमेंशन का केस है ना टू डायमेंशन के केस को मैं दो वन डायमेंशन के केस में कन्वर्ट कर सकती हूँ एक एक्स के अलोंग एक अलाई के अलोंग और वो जो एक्स और वाई के चीजें हैं वो एकदम एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगी दे विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तो अगर मैं एक मोशन एक्स के अलोंग सॉल्व कर लूंगी एक वाई के अलोंग सॉल्व कर लूंगी मेरा काम हो जाएगा बाद में मैं उसका मीन ले सकती हूँ ठीक है बाद में अगर आपको इसको फर्दर कैलकुलेट करना है तो आप इसका मैग्निट्यूड निकाल सकते हो ना ऐसे हमने देखा था कि वी एक्स स्क्ट्यूड निकाल सकते हैं राइट right? फिर आप इसका वो भी निकाल सकते निकाल सकते सकते हो हो कि क्या एंगल बनाएगा फाइनल वेलोसिटी बट इस तरीके से आप ये वी एक्स और वीवाई के जो कॉम्पोनेंट्स हैं आपके मोशन के लॉन्ग वो निकाल सकते हो तो टू डायमेंशन मोशन में ये बहुत जरूरी है समझना कि टू डी मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वन डी मोशन ठीक है सिमिलरली एक और इक्वेशन जो हम लोगों के बहुत काम आएगी आज की क्लास में भी बहुत काम आएगी वो होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो इसको ना मैं ऐसे लिख देती हूं कि x इज इक्वल टू अगर मैं वन डायमेंशन की बात कर रही हूं एक्स सपोज फाइनल माइनस एक्स इनिशियल is equal to u t plus half a t square. Now, if I convert it into x and y, I will obtain something like this, Ki x is equal to x naught plus u x t plus half a x t square. This x naught is your initial value, hai, x is your final value hai, and y will be equal to y naught plus u y t plus half a y t square. ये सारी इक्वेशन का यूज करके आप प्रोजेक्टाइल से डील कर सकते हो बहुत प्यार से इतना आपको अगर समझ में आया तो प्रोजेक्टाइल हलुआ हो जाएगा ऑल राइट right, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाती हूँ इसमें किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे देखो इस पार्ट से न्यूमेरिकल्स इतने खास नहीं पूछे जाते जो मैंने अभी बताया बट पोजिशन वेक्टर से आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं कोई कोऑर्डिनेट दे दिया बताओ उसकी पोजिशन क्या है इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल के बहुत क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक है तो अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे पहुंच पहुंची उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ठीक है यशस्वी बच्चा क्या रिपीट करना है एक बार ये बताओ अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है हम लोगों ने फटाफट रिपीट कर रही हूँ पोजिशन वैक्टर मतलब जो भी कोऑर्डिनेट है जो भी आपका पॉइंट है जो भी आपका पार्टिकल है जहां पर भी है उसकी पोजिशन क्या है वो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे बताओगे एक्स आई एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप मतलब जो भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप करके आप पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ईजी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर राइट right, तो सिंपली एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप वाई टू माइनस वाई वन डायमेंशन भी है तो आप इससे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा velocity और acceleration की अगर बात करते हो, तो तो हमें पता है है, है है, होती होती आपकी जो डिवाइडेड बाय टाइम सो आम सेल इज यू सो वी माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन से हमारे पास एक्सेलरेशन आती है दोनों ये vectors है अब अगर इक्वेशन ऑफ मोशन पे मूव करते हो तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी वन डायमेंशन में थी वही सेम इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी टू डायमेंशन में भी आती है बस एक्स एक्सिस की अलग और वाई एक्सिस की अलग ठीक है यहां तक क्लियर है सब बच्चों को कि हाँ मैम इतना समझ में आया जो भी आपने बोला इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर एवरी वन यस एक बार मैंने सबके लिए फटाफट रिपीट भी कर दिया है सारी चीजें कर दी है तो अब आगे अपने फिर मेन जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर चलते हैं जो है प्रोजेक्टाइल मैं ट्राई करती हूँ कि इसके आपको दो केस कवर करवा दू जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं पहला जो केस है वो इसलिए करवाऊंगी ताकि आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओ दूसरा जो केस है वो इसलिए करवाऊंगी ताकि आप वो वाला पार्ट को सॉल्व कर पाओ ठीक है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है प्रोजेक्टाइल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी है और उसको आपने ऐसे हवा में छोड़ दिया है एंड नाउ इट इज जस्ट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके की कोई भी ऑब्जेक्ट है आपकी उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन विच दैट ऑब्जेक्ट फॉलो जो मोशन वो करती है जो ट्राजेक्टरी वगैरह सारी फॉलो करती है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है तो इसके काफी एग्जाम्पल हैं जैसे सपोज अगर खुशी एंड काजल दे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कैच तो खुशी ने काजल की तरफ एक बॉल फेंकी तो खुशी ने क्या किया कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी उस बॉल को अब वो प्रोजेक्टाइल मोशन करती करती वो प्रोजेक्टाइल है क्योंकि उसपे खाली ग्रेविटी एक्ट कर रही है सो इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ प्रोजेक्टाइल एंड इट विल रीच काजल नाउ और राइट सिमिलरली सपोज अगर प्लेन से बॉम्ब गिराया जाता है तो जो प्लेन की वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वही थी बॉम्ब की अब उसको गिरा दिया तो अब खाली उस पर ग्राविटी एक्ट कर रही है तो उस टाइप के मोशन को भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहा जाएगा right, अब प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए करो पहला एग्जाम्पल जो है कुछ ऐसे ये आपकी बिल्डिंग है ठीक है ये आपकी ग्राउंड है अब कोई बच्चा यहां से खड़ा होकर एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है ऐसे इनिशियल वेलोसिटी यू से ठीक है तो ये बॉल ऐसे 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 आगे जाएगी और ऐसे आगे नीचे गिर जाएगी तो हमें इसमें अलग अलग पैरामीटर फाइंड करने होते हैं अभी के लिए आप इतना समझो कि हाँ मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है टोटल एच कैपिटल एच के बराबर और ये मेरी बॉल है जो इनिशियल वेलोसिटी यू से जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उससे प्रोजेक्ट की गई है आपको पता है कि इस बॉल पे नीचे की डायरेक्शन में आपकी ग्रेविटी एक्ट करेगी ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोगों का काम बना देती हूँ बहुत ही ज्यादा आसान यहां पे मैं सारे पैरामीटर्स लिख देती हूँ लेट मी राइट ऑल द पैरामीटर्स फिर आप आधी चीजें अपने आप फाइंड कर लोगे यही आपको करना है हर क्वेश्चन में हर डेरिवेशन में सबसे पहले सबसे पहले कंसिडर करो पोजिशन पैरामीटर ठीक है लेट मी राइट अबाउट पोजिशन फर्स्ट एक तरीके से मूव करते हैं ना सबसे पहले पोजिशन लिख लेती हूँ कि इनिशियल पोजिशन जो है एक्स नॉट वाई नॉट वो है इक्वल टू जीरो ठीक है मतलब जहां से भी मोशन बिगिन हो रहा है वो पॉइंट मेरा नॉट नॉट का जो है वो मैंने जीरो पॉइंटर कर लिया ठीक है इतना समझ में आया तो इस हिसाब से अगर आप फाइनल पोजिशन देखो एकदम फाइनल वो आपकी कितनी हो जाएगी मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ नेगेटिव साइन नहीं लगा रही एक्स डायरेक्शन में तो जितना भी आपका डिस्टेंस कवर होता है उसको कहते हैं रेंज ठीक है इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से और वाई डायरेक्शन में आपकी कवर हो रही है हाइट सो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल ऑन दिस इस चीज में पोजिशन वाली चीज में सब लोग अग्री कर रहे हैं यस मैम नो मैम समझ में आया मैम नहीं समझ में आया मैम समझ में आया मैं पहले वार्निंग दे रही हूं देखो आज की क्लास थोड़ी जैसे अभी तक क्लासेस थोड़ी थियोरेटिकल चल रही थी आप लोग चीजें समझ रहे थे आज की क्लास भी समझने वाली जरूर है बट हाँ मैथमेटिक्स अच्छी आनी है आज की क्लास में तो अपनी ऐसे आंखें सब कुछ आंखें भी खोल लो पेन्स भी अपने हाथ में ले लो जो नोट डाउन करने का मन है वो नोट डाउन भी करो क्योंकि आज की क्लास में चलनी है इक्वेशन वगैरह ही है ठीक है तो यह आपका पोजिशन आ गया अब बात करती हूँ विलोसिटी की तो वेलोसिटी देखो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में तो पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ही है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू और वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है तो वो हो गई इक्वल टू जीरो फाइनल वेलोसिटी भी बताती हूँ क्या आएगी पहले एक्सिलेशन लिख देती हूँ एक्सिलेशन की अगर बात करोगे तो एक्सिलेशन वाई डायरेक्शन में हो गई जी और एक्स डायरेक्शन में हो गई जीरो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम नीचे की डायरेक्शन है बट फिर भी आपने पॉजिटिव लिया है मैंने अब इस वाले मोशन में नीचे की हर चीज को पॉजिटिव ले लिया है वरना मुझे हाइट को भी नेगेटिव लेना पड़ता एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी जी को भी नेगेटिव लेना पड़ता वेलोसिटी में भी नेगेटिव कॉम्पोनेट आता तो इसलिए मैंने सब चीजों को पॉजिटिव मान लिया है क्योंकि इंक्रीज ही हो रही है ना वेलोसिटी भी नीचे आते आते इंक्रीज ही होनी है अब देखो क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो रहती है तो जो फाइनल वेलोसिटी है इट इज वी एक्स Vx, आपकी क्या हो जाएगी यू एक्स प्लस ए एक्स टी है ना तो ये मतलब आपकी x मोशन में चेंज नहीं होती क्योंकि जो एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन में वो जीरो है ऑल राइट right. और अगर आप y डायरेक्शन की बात करो तो ये आ जाएगा आपका uy प्लस ए वाई टी तो u यहाँ पर जीरो है क्योंकि तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी सिंपली इक्वल टू जी टी तो ये मैंने इतनी बढ़िया चीज बता दिया क्योंकि इसको इसको यूज यूज करके करके ना ये जो दोनों है इसको यूज करके आप इस पूरे मोशन में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो हाँ मैं इसकी डेरिवेशन ही करके दिखा रही हूं अभी इसको यूज करके वी एक्स और वीवाई के फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो जैसे यहां पर आपका कुछ वीएक्स ऐसे आ गया Vy आपका कुछ ऐसे आ गया और उसका आप ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल पाओगे ठीक है final velocity को पिछली क्लास में हमने वेक्टर वाला देखा था ना करना कि अंडर रूट ऑफ वी एक्स प्लस वीवाई स्क्वायर से मैग्नेट्यूड निकाल लो एक कोई भी ये जो एंगल है उसकी वैल्यू निकाल लो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी यहां तक क्लियर है अभी मैंने सिंपल पैरामीटर्स करवाए हैं अब मैं डेरिवेशन पे आ रही हूँ यहां तक पार्ट क्लियर है बहुत स्लो चल रही हूं इस वाले चैप्टर के लिए अभी तक तो मैं इज इट क्लियर टिल हियर गाइस यस ऑल राइट तो अब सबसे पहली जो डेरिवेशन मैं कर रही हूं ना दैट इज फॉर दी ट्रैजेक्टरी कि ये जो पूरा मोशन है इसकी ट्रैजेक्टरी कैसे रहेगी तो वो समझने का बहुत इजी तरीका है लेट मी अप्लाई दिस फॉर्मूला फर्स्ट कि एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वा आप लोग भी अग्री करोगे कि मुझे कोई भी रैंडम एक्स चाहिए अगर एक्स नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी ए एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्स विल बी सिंपली इक्वल टू यू टी इसका मतलब क्या है कि जो आपका टाइम है उसकी वैल्यू आ गई आपकी एक्स okay, अपॉन यू Agreed. इस चीज से सब अग्री करोगे कि मैम टाइम की वैल्यू तो यही आएगी यस नाउ लेट मी डू द सेम थिंग फॉर वाई वाई विल बी इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर वाई नॉट जीरो है यू वाई जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हाफ जी टी स्क्वायर स्क्च इज इक्वल टू हाफ जी एक्स की टी की वैल्यू डाल रही हूँ एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर सो यू कैन सी दैट दिस इज इक्वल टू समथिंग ये सारा कांस्टेंट वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इसका मतलब क्या है कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर सो यहां से आपके पास जो है पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री आती है ठीक है अगर आपके पेपर में ऐसी चीज आए कि बताओ आपकी पैराबोला ट्राजेक्ट्री क्यों आती है या फिर डिराइव करके दिखाओ तो ये स्टेप्स फॉलो करने आपको ताकि आप पैराबोला ट्राजेक्टरी डिराइव कर पाओ कॉस्ट थीटा वाला केस मैं नहीं करवा रही हूं अभी मैं आपको ये सबसे सिंपलेस्ट केस है प्रोजेक्टाइल का इसमें आपको यू जो है वो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन दे रखी है जो कॉस्ट थीटा वाला केस है वो तब आता है जब मैं ऐसे वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर रही हूँ और आपका पार्टिकल कुछ ऐसे करके गिर रहा हूं तो ये आपका थीटा आ गया फिर आपकी बात चल रही है मैं यहाँ पे आपको खाली जो स्टेप्स है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ पहले इतने स्टेप समझ में आए सबको सबसे पहले ये चीज बताओ कि हाँ मैम प्रोजेक्ट प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी आ गई पारा बोला यशस्वी इज इट तो क्लियर संगीता खुशी ऑल राइट क्लियर है चलो तो अब आगे चलते हैं अब हम निकालने की कोशिश करते हैं जो मेन फैक्टर हमें निकालना है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट तो इसके डेरिवेशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसकी डेरिवेशन सबसे इजी होती है अगर फ्रेंकली बताऊं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है मुझे बताना है कि मेरा पार्टिकल टोटल टाइम हवा में कितनी देर में तक रहा तो मैं बोल देती हूँ कि जब तक पार्टिकल ऊपर से नीचे ये पूरी हाइट इसने कवर नहीं करी तब तक ये हवा में ही था जैसे ही हाइट कवर हुई पार्टिकल ग्राउंड पे आ गया है ना तो मतलब अगर मैं बोलूं कि इनिशियली मेरी जो वाई नॉट की वैल्यू थी वो जीरो है फाइनली मेरी जो वाई की वैल्यू है वो है एच राइट right. मुझे पता है कि ए वाई मेरा जी है ही और यूवाई uh, की वैल्यू मेरी जीरो आती है और let me say कि इज इक्वल टू कैपिटल टी और ये है मेरा ठीक है तो ये चीज ये डिनोट कर रही है कि वाई डायरेक्शन में मेरी पूरी की पूरी हाइट कवर हो गई इन टाइम विच इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ठीक है अब यहां पे सिंपली ये इक्वेशन लगा दो कि y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वल टू जीरो प्लस जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर टी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट टू एच बाई जी अग्रीड टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया सबको समझ में कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर से बता रही हूँ स्टेप्स दिखा रही हूं अभी की कैसे आप प्रोजेक्टल मोशन को आसानी से डी वर्क कर सकते हो ये समझ में आया सब बच्चों को अगली चीज भी निकाल लेते हैं रेंज रेंज निकालना और इजी है ठीक है कहा बच्चा वाई में क्या एच दिस वाई इज इक्वल टू एच टू एच इक्वल आएगा बच्चा क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में हम निकालना चाहते हैं कि पार्टिकल टोटल टाइम कितना हवा में था तो जो टोटल टाइम वो हवा में रहेगा दैट विल बी इक्वल टू टू द द द टाइम पार्टिकल टेक्स कवर एंटायर हाइट तो पे कैपिटल आता है, है जो भी आपकी हाइट होती है बिल्डिंग की वो कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पे तृप्ति बच्चा रिपीट कर देती हूँ वाई नॉट वाई ए वाई यू वाई और टी की वैल्यू डाली है मैंने अज्यूम कर लिया है कि मेरे पार्टिकल ने पूरी की पूरी हाइट नीचे कवर कर ली है इसकी ये जो बिल्डिंग है वो पूरी हाइट कवर कर ली है ऊपर से पूरा ग्राउंड पे हिट कर चुका और मुझे निकालना है कि ये करने में उसको कितना टाइम लगा सो यूजिंग दिस सिंपल इक्वेशन आई एबल टू फाइंड दैट इतना क्लियर है सब बच्चों को टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अब यही सेम चीज मैं एक्स पे करूंगी मैं बोल देती हूँ कि एक्स नॉट मेरा जीरो है और एक्स ने अब ये जो पूरी रेंज है ये कवर कर लिया मतलब X विल बी इक्वल टू R, विच इज द रेंज ठीक है दिस आर इक्वल टू द रेंज रेंज माने द मैक्सिमटल डिस्टेंस अब यहां पर भी वही है यू एक्स इज इक्वल टू यू मुझे पता है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और टाइम मैं यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि जितना टाइम पार्टिकल को लगेगा हवा के अंदर उतने ही टाइम में वो पूरी रेंज कवर करेगा जैसे उसने ग्राउंड पे हिट किया वो आप फाइनल पॉइंट बोल दोगे उतनी रेंज कवर हो गई तो कितना टाइम लगा पार्टिकल को ये करने में दैट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट सो अगेन इफ यू आर अप्लाइंग दिस इक्वेशन हियर कि अब यहां पर एक्स के टर्म्स में कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी तो एक्स नॉट हो गया ए एक्स वाली टर्म जीरो हो गई इसका क्या मतलब है कि x आपके पास आ गया इक्वल टू x आपका r है ही इधर सो यू सिंपली ऑपटेन दैट r विल बी इक्वल टू u इन टू टी विच एम्प्लाईज की आर विल बीवल टू यू इंटू अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी ठीक है ये क्लियर है सब बच्चों को कि हाँ मैम रेंज भी आ गई इज इट क्लियर टू एवरी वन की येस मैम वी ऑपटेन द रेंज एज वेल राइट right. अब जैसा मैंने बताया एक और चीज जो हर चीज में आती है कि वेलोसिटी निकाल दो तो वेलोसिटी आप इसको यूज करके ये वाले जो आपके फॉर्मुलाज हैं ये इंपॉर्टेंट है

तो अब दूसरा केस है जब आप एंगुलर प्रोजेक्शन देते हो ठीक है तो एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है अब मेरे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है right. और मैंने अपने पार्टिकल को कुछ ऐसे वेलोसिटी दे दी है एट एन एंगल थीटा सो आई हैव गिवन इट सम यू वेलोसिटी सो पार्टिकल विल गो ऑन ऐसा कुछ ऐसा कुछ अचीव मैक्सिमम हाइट एंड देन कम डाउन ठीक है दिस इज द काइंड ऑफ़ मोशन विच विल हैपन ये जो आपका पॉइंट है जिसपे उसकी मैक्सिमम हाइट रही है यहां पे इसकी मैक्सिमम हाइट अचीव हो गई राइट right? इस तरीके की चीज ऑब्जर्व करते हो अब यहां पर ये चीज देखो कि आपकी एक्स एक्सेस पे क्या प्रोजेक्शन रह गई यू कॉस थीटा वाई एक्सिस पे क्या रह गया यू साइन थीटा

ठीक है जब आपकी वेलोसिटी जब आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब वो नीचे की डायरेक्शन में करेगी तो आप नेगेटिव जी लिखोगे और जब आपका पार्टिकल नीचे आ रहा है तब एक्सिलेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी पॉजिटिव तरीके से एक्ट करेगी राइट सिमिलरली अब मैं यहां पर भी ये ज्यूम कर रही हूं कि एक्स नॉट वाई नॉट जो भी है आपका दिस विल बी इक्वल टू जीरो ठीक है इतना क्लियर है सब लोगों को कि हाँ मैम ऐसा कुछ हो गया Yes, no, All right. अब मुझे निकालनी है ट्राजिक्ट्री लेट मी कंसिडर दिस टू बी एनी पॉइंट एनी रैंडम पॉइंट एक्सकॉमा वाय ट्राजिक्ट्री निकालने के लिए सेम चीज है मैं फॉलो करूंगी सबसे पहली इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ये मेरा जीरो है ये मेरा जीरो है एक्स नॉट और ए एक्स की वजह से Uxt आ जाएगी यू की वैल्यू इज यू थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ठीक है तो यहां से जैसे पहले मैंने टाइम की वैल्यू निकाली थी वो मैं निकाल लेती हूँ सबसे पहले पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल रही हूं मैं यही सेम चीज मैं वाई में कर देती हूँ कि वाई विल बी इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर अब वाई नॉट आपका जीरो है यू वाई टी आपका जीरो नहीं है सो यू विल गेट समथिंग लाइक वाई नॉट जीरो हो जाएगा आपका ये वाई नॉट तो ठीक है आपके पास आ जाएगा यू साइन थीटा टी अब अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट पे मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में होगी तो यहां पर मैं एवाई को ले रही हूं माइनस जी के इक्वल सो so आई विल ऑब्टेन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ठीक है इतना अग्रीड है सब बच्चों को अब बस मैं ये t की वैल्यू जो यहां से थी वो यहां पे डाल दूंगी ऑल राइट right, पहले भी तो यही किया था कि हमने x की वैल्यू निकाली थी फिर y की वैल्यू निकाली थी फिर जो टाइम की वैल्यू आई थी ऊपर से वो हमने y की इक्वेशन में पुट इन कर दिया था ठीक है यही आई थी तो जब आप वो करते हो तब भी आपके पास पैराबोला की इक्वेशन ही आती है आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा u sin theta multiplied by x upon u cos theta minus half g x square upon u square cos square theta तो so, अगर मैं इसको फाइनल फॉर्म में लिखूं तो y मेरे पास आ जाएगा x tan theta है ना u और u कट जाएगा माइनस half g upon u square cos square theta ये सारे कांस्टेंट हैं मल्टीप्लाइड बाई एक्सक्वा इस चीज से सब लोग अग्री करते हैं कि हाँ मैम ऐसा आ गया तभी मैंने वो पहले वाला केस करवाया था क्योंकि वो आपका सबसे इजी केस है प्रोजेक्टाइल का उसमें आप सबसे पहले स्टेप समझो फिर ये वाला केस अपने आप हो जाता है सो दिस इज एन पैराबोलिक इक्वेशन ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है तो इससे आप प्राजिक्ट्री डिटर्मिन कर सकते हो ठीक है समझ में आ रहा है ना मजा आ रहा है ना मैंने पहले भी वार्निंग दे दी थी कि आज की क्लास में ऐसे इक्वेशन वगैरह करवाने वाली हूँ मैं तो ऐसा मेरे को मारनी पड़नी चाहिए कि मैम आपने तो ऐसे पहले तो सब कुछ सही चल रहा था अब एकदम से आप ये क्या कराने लग गए ठीक है अब इसी तरीके से मैं आपका टाइम ऑफ फ्लाइट और ये हॉरिजॉन्टल रेंज वगैरह भी निकाल दूंगी ये सारी चीजें देख लो अब आ जाओ फिर अगली चीज निकालते हैं इसको मैं दो में डिवाइड कर देती हूँ ठीक है इससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा सबसे पहला निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या तरीका था बच्चों ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या तरीका था हमने वही कहता ना कि मैक्सिमम हाइट वाला क्या सीन है तो सबसे पहले यहां पर यह समझना है कि जितना टाइम पार्टिकल को जीरो वाले पॉइंट से मैक्सिमम हाइट पहुंचने पे लगेगा ना उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा तो अगर मैं इस जर्नी के लिए टाइम टी फाइंड कर लू तो इसके अंदर भी इसको टाइम टी ही लगना है मैं उसको डबल करके टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकती हूँ ठीक है ये चीज समझ में आई सबको ये चीज समझ में आई सो लेट मी से लेट मी फाइंड आउट द टाइम कि पार्टिकल को कितना टाइम लगा फ्रॉम ओरिजिन टू मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के लिए तो होगा क्या आपका इनिशियल वाई आपको गिवन है एज यू साइन थीटा वेरी गुड टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट यू आर एब्सोल्युटली राइट संगीता वही मैं यहां पर यूज करूंगी अब आपको इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है यू साइन थीटा गिवन मुझे बताओ कि मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी वाई डायरेक्शन की

एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव जी ठीक है और जैसा हमें अभी संगीता ने बताया कि टू गो फ्रॉम दिजिन टू द मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट इट विल टेक द पार्टिकल टी बाई टू टाइम वेर टी इज माई टाइम ऑफ लाइट ये डेटा सबको समझ में आया ये बता दो मुझे पहले कि ये डेटा समझ में आया नहीं आया ठीक है ये डेटा समझ में आ गया सो नाउ तो आई हैव टू डू नथिंग अब तो हो गया ना मेरा काम अब तो अगर मैं यही इक्वेशन यूज कर लेती हूँ कि वी वाई इज इक्वल टू यही इक्वेशन यूज कर लेते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी सो इफ आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन तभी मेरा आंसर आ जाएगा जीरो विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि u साइन थी जी बाई टू इंटू टी टी की वैल्यू कितनी आ गई टू यू साइन थीटा अपॉन g ठीक है बच्चों क्लियर है कि हाँ मैम टाइम ऑफ फ्लाइट तो बहुत ही आसानी से आ गया अब ये फॉर्मूला को याद कैसे रखना है वो तुम अपने आप देख लेना मैं खाली फॉर्मुला डिराइव करके बता दू ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो ये जो सारा डेटा है ना मेरे पास इससे मैं मैक्सिमम हाइट की वैल्यू भी निकाल लूंगी जो एच है पिछले केस में तो निकालनी नहीं पड़ी थी बिल्डिंग की हाइट गिवन थी इसमें मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो यहां पर ये वाला पूरा डेटा आप काम में ले सकते हो यहां पर इफ आई अप्लाई वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ई कैन फाइंड दिस आउट वेरी सिंपली राइट तो आई कैन राइट दैट वाई इज मैक्सिम हाइट एच प्लस विल बी इक्वल टू जीरो प्लस यू वाई कितना है आपका यू साइन थी साइन थीटा टी की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम हाइट में कितना टाइम लगेगा हाफ ऑफ टाइम ऑफ लाइट नहीं दैट इज नॉट नेसेसरी बच्चा

माइनस आ जाएगा यहां पे क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नेगेटिव है ना माइनस हाफ जी टी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर तो यहाँ पे जब सारी कैलकुलेशन वगैरह कर लोगे आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी यू स्क्स स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी दिस विल बी दी वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट ठीक है ये क्लियर है ये कैसे आया दिस थिंग क्लियर का फाइनल चीज बता देती हूँ रेंज रेंज निकालना सबसे इजी है इस केस में क्योंकि आपकी जो रेंज की वैल्यू है वो सिंपली हो जाएगी इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ लाइट

टू कॉस थीटा साइन थीटाइट तो नहीं बच्चा वैसे है नहीं आपका जो एक्सप्रेशन आप बोल रहे थे ना संगीता आई थिंक वो वाला वैलिड नहीं है आपकी रेंज की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी साइन टू थीटा तो जो आप एक्सप्रेशन बोल रहे हो ना बच्चा संगीता दैट इज नॉट कमिंग योर आई थिंक है ना आपकी रेंज ये आई है आपकी मैक्सिमम हाइट आई थी तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आप बोल रहे हो वो वैलिड नहीं रहेगा ठीक है ये तीनों चीजें समझ में आई मेजरली यही चीजें निकालनी है इससे हम बता नहीं रही अभी इसका इतना काफी है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ज दिस थिंग क्लियर टू एवरी वन गाइज बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया है आज हमने पोजिशन वैक्टर कर लिया कवर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर कर लिया कवर उसके प्रोजेक्टाइल के मैंने दो बढ़िया बढ़िया केसेस करवा दिए पहले केस से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए दूसरे केस का आपका पेपर का रेलिवेंस है क्वेश्चन नाउ ठीक है अच्छा आप ये बताओ डर तो नहीं लग रहा ना यू गाइज आर नॉट स्कै होपफुली होपफुल यू गाइज आर नॉट स्कैड डर लग रहा है क्या कि मैम ये क्या पढ़ा दिया मैम क्यों पढ़ा दिया मैम क्या हो गया ये हमारे साथ नहीं लग रहा ठीक <laughs> है असल में ना क्या है कि आपका यूनिट्स और जो जो चैप्टर चैप्टर है है मोशन स्ट्रेट लाइन अभी उसमें इतनी सारी वगैरह नहीं आई है तो प्लीज इक्वेशन से डरना नहीं है ठीक है ये मैथ्स वगैरह है थोड़ी बहुत आती रहती है इनसे नहीं डरना है थोड़ा बेसिक टेक्नोमेट्री है बाकी बेसिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ये सारी चीजें आप करते आ रहे हो सो इन चीजों से डरना नहीं है यस yes, प्रैक्टिस करने के बाद आपका सब सही हो जाएगा थैंक यू सो मच कि मैंने अच्छा पढ़ाया हाँ बस ये है कि डरना बना है डरो मत इस क, इस चैप्टर में ना आपका एक और है रिलेटिव वो ब्रीफली बता देती हूँ रिलेटिव वेलोसिटी आपका आइडियली वेक्टर वाली चीज से ही कवर हो जाएगा ठीक है जैसा मैंने आपको पिछली बार करवाया था कि रिलेटिव वेलोसिटी सपोज आपका ये है वी ए ये है आपका वी बी अब आपको बताना है कि वॉट इज वी ए माइनस वी बी ठीक है तो वी ए माइनस बताने का क्या तरीका है कि VA आप ऐसे बना दो माइनस VB आपका कुछ ऐसे बनेगा तो ये आपका बन गया माइनस वीबी ठीक है बस यहां पर अब वो पैरेललोग्राम लॉ लगा दो right, तो वेलोसिटी इस तरीके से आप हर चीज की निकाल सकते हो

तो अपनी बुक खोलो और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो मेरे हिसाब से ये चैप्टर की थियोरी जो है एटलीस्ट वो आपकी कंप्लीटेड ऑल राइट थोड़ा सा बेसिक अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो सर्कुलर मोशन के बारे में और बता देती देते वो आपका जरूरी है तो सर्कुलर मोशन भी वैसे सही है सर्कुलर मोशन में क्या है एक बॉडी आपकी सर्कल में मूव कर रही है तो अब मुझे बताओ अगर आपकी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तब आपकी स्पीड में दे दूं कि कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है क्या वो फिफ्टी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है सर्कल में सो डी एक्सिलेशन गाइज डी थिंक देर इज एनीन इन दिस केस देखो संगीता आई जेनुअनली डिसंक दट एनसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट है क्या यहाँ पे स्पीड तो कॉन्स्टेंट है हर पॉइंट पे आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है हर पॉइंट पे क्योंकि आपकी वेलोसिटी भले ही चेंज नहीं हो रही बट वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है राइट तो आपको इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक एक्सिलरेशन होती है जिसकी वजह से ये पार्टिकल आपका मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में सेंटर सो so इसको हम कहते हैं है, अब यहां पर अगर आपका रेडियस इज इक्वल टू आर तो आपकी ये होती है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट यू राइट राइट एज वॉटर आर के इज कवर्ड डिड बाई द रेडियस

ये सारी चीजें सर्कुलर मोशन में आपको याद रखनी है पीटल एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चों ठीक है इट इज नोन पीटल एक्सेलरेशन सेंट्री पीटल एक्सेलरेशन होती है आपकी जो आपकी रेडियस के टुवर्ड्स होती है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही होती है ऑल राइट right. Is it clear, everyone? इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में एक सेकेंड रुको। हाँ सर्कल के सेंटर के अलोंग जो पढ़ती है उसको हम कहते हैं ठीक है तो इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में थियोरी मेरी साइड से खत्म है इस चैप्टर की आपको देखो एनसीआरटी जो लोग बोलते हैं बुरी बुक है एनसीआरटी अं, का ना क्या है कि एनसीआरटी जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आपको समझ आने में बहुत प्रॉब्लम होती है But once you actually understand the chapter, then I feel that there is no book better than NCERT for revising इज chapter and for solving questions as well. NCERT के questions ऐसे हैं कि वो अगर आपने सारे कर लिए अच्छे से तो आपका पूरा chapter एक तरीके से clear हो जाएगा आपके दिमाग में उसके बाद कोई भी book उठा लो आप उसके questions बहुत ईजीली कर पाओगे ठीक है so सो NCERT को कभी भी degrade मत करो क्योंकि वो इसी हिसाब से बनती है Even twelfth में आपकी NCERT बहुत important है क्योंकि वो इसी पर्पज से बनती है कि आपके चैप्टर को वो पूरा clear करवा पाए ठीक है तो कुछ बच्चों को यही लगता है कि एनसीईआरटी खोली कुछ समझ नहीं आए इसलिए सब कुछ समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी की प्रॉब्लम क्या है कि अगर एनसीईआरटी का ये इतना बड़ा पेज है उस पर इतना सा पैराग्राफ लिखा है तो ये जो एक पैराग्राफ है ना दिस विल बी इक्वल टू टू पेजेस इन बुक

ठीक है अब चलो दस मिनट बचे हैं थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे ऑल राइट सो सॉल्व द क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस डाले हैं इस चैप्टर के मैंने क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको डेरिवेशन और थ्योरी के फॉर्म में कवर करवा दी हैं तो क्वेश्चंस मैंने बहुत इजी इजी डाले हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज की विच ऑफ द टू लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी तो आप लोग बताओ

अविकासर्स बाकी बच्चे बताओसिटी पर डालूल बढ़ गए अंकिता के बाद प्रियंका श्वेता सलोनी राकेश ए दो तीन चार पांच तो आठ वोट आ गएसिटी के सो लुक्स लाइकिटी इज अ क्लियर विनर वी हैदर वोट आपको की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी क्या है वो होती है लीनियर विलोसिटी लीनियर एक्सिलेशन आपको डायरेक्शन नहीं बताता बट वो ये बताता है कि विलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है और राइट मूविंग ऑन डज अ वेक्टर क्वॉंटिटी डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चोजन वॉट डू यू गाइज सिंह की वेक्टर क्वॉंटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है या नहीं करती बताओ बच्चों की वेक्टर क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगी नहीं करेगी थिंक ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज इन योर हेड तृप्ति सिंह नो संगीता सिंह नो सो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन गाइज सो दिस इज अ पॉइंट इसका पोजिशन वेक्टर इस वाले से ऐसा कुछ आएगा इस वाले से ऐसा कुछ आएगा चेंज नहीं हो गए दोनों चेंज हुए नहीं हुए और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं वेलोसिटी वेक्टर की तब भी सपोज कोई बंदा गाड़ी में बैठा है उसके हिसाब से उसकी गाड़ी चल रही है बाहर वाली ग्राउंड के हिसाब से उसकी गाड़ी चल रही है फिफ्टी किलोमीटर पर परार की स्पीड से बट द गाय हु इज सिटिंग इनसाइड द कार ही विल से दैट मेरे हिसाब से तो गाड़ी रेस्ट पे है चेंज नहीं हो रही क्वांटिटी अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हाट डू यू गाइस थिंक गिव मी योर इनपुट्स मेरे हिसाब से तो इसका आंसर है यस इट कैन चेंज राइट ठीक है कुछ कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो चेंज नहीं होती जैसे जो भी आपकी रिलेटिव जैसे डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हो ना तो, तो आपकी जो जो क्वांटिटीज हैं वो इतनी चेंज नहीं होती अगर आप अगर अगर आप जैसे बात कर रहे हो कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका दो पॉइंट्स के बीच का वो आ गया डिफरेंस तो दैट वॉन्ट चेंज तो कोई भी अगर रिलेटिव क्वांटिटी है रिलेटिव क्वांटिटी चेंज नहीं होती अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दोगे तब भी आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी वरना ठीक so yes, है, जो हैं, कैन यू गिव मी दिस आंसर कि ऐसा कोई केस है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है अगर किसी पार्टिकल की वो जीरो है बट उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन ने जीरो ना हो ऐसा हो सकता है वॉट डू यू गाइज थिंक येस मैम नो मैम वॉट डू यू गाइज थिंक एवरी वन तो हो सकता है तो बताओ कि कब होता है सबने यस yes लिख दिया तो बताओ कब होता है कि इंस्टेंटेनियस विलोसिटी जीरो है बट एक्सलरेशन जीरो नहीं है दे आर आस्किंग

बट वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन जीरो गाड़ी है वो आगे चल रही है एकदम से उसको याद है कि उसको नहीं पीछे चलना है वो रिवर्स गियर में डालता है पीछे चलने लग जाता है तो एक बीच में पॉइंट आएगा जब उसकी हो जाएगी और एक्सेलरेशन पीछे लग रही होगी राइट सो दिस इज पॉसिबल की All right, let's go to this thing now, guys. A body projected horizontally moves with same horizontal velocity, although it moves under gravity. Why? So, आप लोग इसका मुझे आंसर बताओ कि why is this happening? So the body it is projected horizontally और उसकी horizontal velocity same है, but वो gravity के अंदर काम कर रही है. So why is this happening? ये हो रहा है ना अभी हमने देखा कि हाँ ऐसा होता है कि ने हॉरिजॉन्टली और किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है उसकी बट ग्रेविटी उस पे एक्ट कर रही होती है तो व्हाई डस दिस हैपन बताओ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस व्हाई डस दिस हैपन गाइस जवाब नहीं आ रहे हैं तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नहीं है। है ना? आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसका कोई देर इज नो नो इफेक्ट ऑन वी एक्स ठीक है ये जो एक्स और वाई डायरेक्शन में जो भी आपके हैं दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू वन अनदर सो दैट इज वाई क्योंकि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो ग्रेविटी जो है वो वाई डायरेक्शन में और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है ऑन दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज इन एक्स डायरेक्शन ऑलराइट इज इज इट क्लियर गाइस इज दिस क्लियर टू एवरीवन ये क्लियर है सबको यस सिमरन इज राइटिंग नो अच्छा सिमरन हैज रिटन यस ऑलराइट so now can you answer this question for me कि what will be the source of centripetal acceleration when earth is going around the sun ये तो easy है बच्चा अगर आप किसी body को horizontally project कर रहे हो मतलब suppose चलो मैंने ऐसे भी projection दे दी तो यहाँ पर भी तो आपका जो ux है that remains constant right

राइट सो right. so, ये जो सोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल पुल ठीक है अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है जो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है दैट इज दोर्स ऑफ सेंट्रीबीटर एक्सिलेशन जिसकी वजह से अर्थ सन के आसपास घूम पाती है वेरी गुड प्रियंका एंड तृप्ति यू आर यूजली राइट इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और राइट लेट एस सॉल्व वन मोर लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इजी

इसका मतलब है रेंज आपकी फोर टाइम्स हो जाएगी जो आपकी पुरानी रेंज होगी उसकी राइट right. yes, right, क्योंकि आपकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट इज एक्टिंग अलोंग दी वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट पे उसका कुछ रिजल्ट नहीं होगा ठीक है ये क्वेश्चन भी क्लियर है इजी था

हाँ अभी आई थिंक थोड़े टाइम आपकी क्लासेस ऐसी ही रहेंगी क्योंकि अब आपके डेरीवेशन वाला पोर्शन आ जाएगा बाद में और मैथमेटिकल इक्वेश वाला पोर्शन आ जाएगा उसके पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट चल रहा था थैंक यू सो मच स्विप्ति थैंक यू गाइज सो यस बट पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ईजी ईजी हो जाएगा कुछ चीजें हैं जिनमें ज्यादा फोकस है कुछ चीजें जिनमें कम फोकस है बट आई ट्राई टू मेक दम एज ईजी एज पॉसिबल फॉर यू ऑल Okay, thank you so much, everyone, for attending today's class. Thank you so much, guys. Bye bye. Have a good day.